हेलो गाइस, एक बार फिर नेटवर्क चैनल आपका स्वागत है। आज मैं लेके आपके लिए स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में लेक्चर थर्ड रिविट कनेक्शन। रिविट कनेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। पुल का हर एक जोड़ इतना मजबूत कैसे होता है जान जाओगे, लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे रिविट कनेक्शन, ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर का सेकंड चैप्टर है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और रिविट के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो रिविट कनेक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको कनेक्शन वर्ड पे आपको फोकस करना है। कनेक्शन वर्ड से आपको क्या समझते हैं आप, ठीक है। सपोज़ कनेक्शन का मतलब आपने एक न्यू बिल्डिंग बनाई, आपको वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक जो मेन पाइपलाइन होगी वहाँ से आप क्या बोलते हो, मुझे एक कनेक्शन चाहिए किस चीज़ का, पानी का। अब आप क्या करते हो, मेन लाइन से आपको वहाँ से पानी लाना है, ठीक है। तो आप पानी लाने के लिए आप क्या बोलते हो, एक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करते हो, मेन लाइन से एक कनेक्शन ज्वाइंट करते हो, जोड़ते हो, ठीक है, अपने पाइप को। तो वो आपका वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एक कनेक्शन जनरेट हो जाता है। वैसे ही आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो स्टील का यूज़ आपका ब्रिज में हो सकता है, टनल में हो सकता है, किसी भी जो भी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे स्टील यूज हो रहा है। यानी स्टील के जो मेंबर होंगे उन मेंबर को जोड़ने के लिए क्या होगा, एक कनेक्शन जनरेट करना पड़ेगा। कनेक्शन का होना एक मस्ट है अगर आपको स्टील मेंबर को जोड़ना है, ठीक है। ये आपका कनेक्शन है जब आप क्या करते हो, दो या दो से ज़्यादा मेंबर को क्या करते हो, जोड़ते हो एक साथ, तो आपका कनेक्शन कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, पहले मैंने यहाँ पे जो लिखा है मैंने, स्टील कनेक्शन होता क्या है। सबसे पहले आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्टील कनेक्शन के बारे में अगर आपको पता होगा तब आप रिविट कनेक्शन के बारे में भी फाइंड कर लोगे कि रिविट कनेक्शन बेसिकली होता क्या है। सिंपल, ठीक है। तो स्टील कनेक्शन, अ स्टील स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द मैनी पार्ट आर नोन एज स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर। मतलब स्टील कनेक्शन की अगर मैं बात करूं फिर से एक बार, कि जब आप क्या करते हो, स्टील मेंबर को जोड़ते हो, तो स्टील मेंबर आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में होते हैं, ठीक है। उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को जोड़ना आपका स्टील कनेक्शन कहलाता है। सिंपल, वही चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टील कनेक्शन की जो डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आनी है क्या, ठीक है, क्योंकि बेसिक है आपका, ठीक है। तो स्टील कनेक्शन का जो मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाया है एक पाइपलाइन के थ्रू, तो आपको समझना है, ठीक है। आपका चैप्टर का नाम रिविट कनेक्शन है, तो रिविट कनेक्शन क्या होता है वो चीज़ देखनी है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, अ स्टील स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द मैनी पार्ट आर नोन एज द स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर। कि स्ट्रक्चर स्टील मेंबर की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप कैसे दे सकते हो, जो मैंने यहाँ पर लिखी वही आपको एग्जैक्ट याद कर लेनी है, ठीक है। सिंपल, तो स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर कहलाएगा। सिंपल, तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा फर्स्ट स्टील स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, तो उस चैनल पे जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड, अगर मैं रिविट कनेक्शन की बात दूँ या कनेक्शन की बात दूँ यहाँ पर, तो द मैथड कनेक्टिंग द स्टील स्ट्रक्चर मेम्बर इज नोन एज स्टील कनेक्शन। स्टील कनेक्शन क्या होता है, जो मैथड हम अप्लाई करते हैं एक स्टील मेंबर को जोड़ने के लिए, आपका स्टील कनेक्शन कहलाता है। स्टील कनेक्शन आपका बेसिकली चार टाइप का होता है, रिविट कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन, पिन कनेक्शन एंड वेल्डेड कनेक्शन। सिंपल, चार टाइप के कनेक्शन है। अब हमारे चैप्टर का नाम रिविट कनेक्शन है, तो मतलब आप रिविट के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ोगे, स्टडी करोगे, रिविट क्या होता है, जिस चीज़ के लिए हम इतना परेशान हो रखे हैं और आज से सदियों से कई आफ्टर लॉन्ग टाइम तक हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको हैवी कंस्ट्रक्शन करना है। लाइक अब ब्रिज कंस्ट्रक्शन करते हो तो ब्रिज में आपका जो रिविट है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सिंपल, तो अगर आपको रिविट कनेक्शन की स्टडी आपने अच्छे से कर ली गाइस, तो आप किसी भी फील्ड की जॉब में जाओगे, तो क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो, फील्ड की जॉब करोगे, तो वहाँ पे आपका रिविट कनेक्शन बेसिकली ज़्यादा पूछा जाता है। और एसएससी जेई में हमेशा रिविट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैनल
आपके लिए इम्पोर्टेंट, मैं तो बोलता हूँ चैनल ही आपके लिए बहुत ही मस्ट है। इस चैनल पे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं ऑल सब्जेक्ट के। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, जिस सब्जेक्ट के आपको लेक्चर चाहिए बता सकते हो, मैं आपके लिए आपको अच्छा देने बेटर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो आपको, आप बोल रहे होंगे सर जी कितना पका रहे हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे रिविट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए गाइस, रिविट आपका सिंपल एक माइल्ड स्टील का छोटा सा पीस होता है। मान लो ये ढक्कन मेरा एक छोटा सा पीस है माइल्ड स्टील का, ठीक है। इस माइल्ड स्टील का क्या होगा, एक बॉटम वाला पार्ट होगा जिसको मैं टेल बोलूँगा, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को मैं हेड बोल दूँगा। सिंपल, ये जो मेरी कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी में मैं क्या करूँगा, इस रिविट को प्लेस करूँगा। कॉपी को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे प्लेट मान लिया, स्टील की कोई प्लेट मान लिया। इस प्लेट में मैं इस रिविट को क्या करूँगा, प्लेस करना है। क्यों प्लेस करना है, ताकि मेरी जो कॉपी है और नीचे सपोज मैंने एक दूसरी कॉपी रख दी, उसको जोड़ूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक होल करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा, तब मैं अपने रिविट को इसमें डालूँगा, ठीक है। अब भाई ये होता आपका रिविट कनेक्शन, मैंने डाला और नीचे वाली कॉपी यानी दोनों प्लेट आपकी जुड़ गई, ठीक है। अब रिविट का जो प्लेट का जो होल होगा वो ग्रॉस डायमीटर होगा, वो हमेशा रिविट के डायमीटर से ज़्यादा होगा। सिंपल, ज़्यादा होगा तभी, अगर ज़्यादा होगा तभी तो आपका रिविट उसमें जाएगा, उस होल में जाएगा। और होल में जाने के बाद आप रिविट को कैसे टाइट करोगे, नीचे से हम रिविट को हैमर कर देंगे, नीचे से उसको पीटेंगे, यानी जो उसकी पूंछ होगी ना रिविट की, ऊपर से तो डाला आपने, ऊपर से पहले से चौड़ा था, नीचे से वो पतला होगा ना, जब प्लेट को छेड़ देगा वो नीचे, तो आपको हैमरिंग करोगे और आपका उसका फेस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और वो जॉइंट हो जाएगा, इधर नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है। चलिए अब आप लिखेंगे कैसे कि रिविट होता क्या है, डेफिनेशन कैसे देंगे। डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज अ स्मॉल पीस ऑफ राउंड माइल्ड स्टील बार, माइल्ड स्टील बार का एक छोटा सा पीस है, फॉरगेट इन प्लेस टू कनेक्ट द टू और मोर देन टू स्टील प्लेट्स हो सकती है, या टू मोर देन टू मेंबर स्टील मेंबर हो सकते हैं आपके, ठीक है, टू स्टील मेंबर, ठीक है। सिंपल, तो यहाँ पे मोर देन टू स्टील स्ट्रक्चर मेंबर, और कैसे जोड़ेंगे, एक साथ अगर हमें दो या दो से ज़्यादा मेंबर को जब जोड़ते हैं एक रिविट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं रिविटेड कनेक्शन या रिविटिंग, रिविटिंग, ठीक है। सिंपल, एक साथ अगर हमें दो या दो से प्लेटें जोड़, ज़्यादा प्लेटें जोड़नी हो तो वहाँ पे हम रिविट का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए इसको मैं बताता हूँ आपको एक डायग्राम के थ्रू कि जो आपका रिविट है वो कैसा दिखता है, उस रिविट के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है, उस पार्ट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, मैंने यहाँ पे आपका रिविट बना दिया गया, ये आपका टॉप पार्ट है, इसको बोलेंगे हम हेड। सिंपल, इस पार्ट का नाम दे देंगे हम हेड, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो नीचे वाला जो बीच का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम सेंक। क्या बोलते हैं, सेंक, यानी इसको रिविट की लेंथ भी बोल सकते हो, और ये नीचे वाला जो नुकीला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मैंने टेल, ठीक है। इतना जो पोर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, इसका डाया। अब ये डाया कौन सा होगा, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डी डैश से। डी डैश मतलब नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट। याद रखिएगा, हमेशा जो प्लेट का जो डायमीटर होगा, जो आपकी प्लेट होगा जिसमें आप रिविट डालोगे, आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर इज ग्रेटर देन नॉमिनल डायमीटर, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। तो नॉमिनल डायमीटर आपको याद रखेंगे। अब जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे, उस वैल्यूज़ में आप देखिएगा, ठीक है। मान लो ये आपकी एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट में हमने क्या किया, एक होल कर दिया, होल कर दिया, तो ये होल आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस डायमीटर, ठीक है। और ये होल जो हमने किया है यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर, मैंने अभी बोला था कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि आपको इसमें रिविट को डालना है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। और रिविट को क्यों डालते हैं, क्योंकि आपको प्लेटों को जोड़ना है, एक कनेक्शन बनाना है, तभी तो आपका जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो आप कर रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, तभी तो आपके ब्रिज में इतने सारे स्टील के जो मेंबर लगे हैं वो एक जगह पे टिके हुए हैं, वरना टूट नहीं जाते यार, कैसे सिविल इंजीनियर हो यार। सिंपल, ठीक है। चलिए
तो जो मैं यहाँ पे इस डायमीटर को यानी प्लेट के डायमीटर को मैं डिनोट करता हूँ डी से, ठीक है, यानी नॉमिनल डायमीटर डी डैश और प्लेट का जो ग्रॉस डायमीटर है वो डी, सिंपल। अब थिकनेस ऑफ प्लेट की बात करो, अब जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वहाँ पे दिक्कत होती है कि डी आप क्या लोगे, ठीक है। जब प्लेट का जो थिकनेस है छोटा हो, यानी कितने से छोटा हो, 25 mm से कम हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो डी की जो वैल्यू हो आप क्या कैसे करोगे, डी डैश प्लस 1.5, जो भी नॉमिनल डायमीटर होगा उसके साथ 1.5 को प्लस करोगे तो आपको ग्रॉस डायमीटर मिल जाएगा, 25 mm से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके थिकनेस ऑफ प्लेट इज ग्रेटर देन 25, यानी अगर 25 mm से आपका प्लेट का जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कितना लोगे डी के लिए, तो डी की जो वैल्यू आपको मिलेगी तो आप क्या करोगे, डी डैश नॉमिनल के साथ प्लस 2 करोगे, डी डैश प्लस 2 इज इक्वल टू डी, यानी ग्रॉस डायमीटर मिलेगा। ध्यान रखिएगा 25 से छोटा होगा तो नॉमिनल के साथ क्या कितना प्लस करोगे 1.5, और 25 से बड़ा होगा तो नॉमिनल के साथ कितना प्लस करोगे 2, सिंपल सा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, डी डैश प्लस 1.5 इक्वल टू डी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। थिकनेस अगर आपका क्या है 25 से ज़्यादा है, 25 mm से, तो आप डी डैश प्लस 2, ठीक है, तो आपको डी की वैल्यू फाइन हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएं और अच्छे से क्लियर होंगे, ताकि आप अभी मतलब जो इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि ये चैनल अभी नया नया है, तो गाइस प्लीज़ चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे एक पावर मिलती है, उम्मीद मिलती है वीडियो बनाने की, और आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको भी एक उम्मीद मिलती है पास होने की, तो प्लीज़ गाइड सपोर्ट कीजिएगा, ओके। चलिए बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिवेट की। टाइप्स ऑफ रिवेट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपका एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में, ये क्वेश्चन आपका आएगा, डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी शेप किसका होगा, जो भी आपका रिवेट का हेड होगा, मैंने ऊपर बताया आपका, इस हेड के हिसाब से आपको क्या इसका क्लासिफिकेशन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और ड्राइवन। आपका कार्य कौन सा है, कार्य की दृष्टि पे, एक होता है आपका जो हेड के आकार के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा कार्य के आधार पर वर्गीकरण, दो टाइप के वर्गीकरण होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा यहाँ पे होता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप ऑफ द रिवेट हेड, रिवेट हेड के शेप के बेसिस पे आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे, इसका क्लासिफिकेशन करोगे, तो मेनली 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर शेप ऑफ रिवेट हेड, ठीक है। फर्स्ट इज ऑन स्नेप हेड, स्नेप हेड रिवेट, इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, स्नेप हेड रिवेट का जो डायग्राम है ये आपका एक मशरूम आपने सभी लोगों ने खाई होगी यार, मशरूम की सब्जी तो बहुत टेस्टी होती है यार, सही बताऊँ अगर, मशरूम की सब्जी खाने में ना बहुत मज़ा आता है, मेरी फेवरेट है यार, ठीक है। तो चलिए फेवरेट तो बाद में है, अभी सब्जेक्ट को भी फेवरेट बनाना है, तो आपको मशरूम नाम से याद रखना है इसको, ठीक है। स्नेप हेड है, ठीक है, ये आपकी लेंथ ऑफ रिवेट हो जाएगी, और अब आपको मैंने ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल रट जानी चाहिए, ये नॉमिनल जो डायमीटर है डी डैश से डिनोट करते हैं, ऊपर वाला जो हेड का जो ये आपका डेप्थ है एक तरीके से 0.7 डी, डी आपका क्या है, इस डी से कंफ्यूज मत होएगा, ये आपका डायमीटर हो, जो भी क्वेश्चन में जो डायमीटर दिया होगा ना आपको उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका ये वाली डेप्थ मिल जाएगी हेड की, ठीक है। और हेड की ये विड्थ कितनी होगी, ये होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका डायमीटर होगा, सिंपल, कोई दिक्कत, डी इज डिनोटेड डायमीटर विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ओके। चलिए सेकंड टाइप आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो हमारा सेकंड है यहाँ पे पेन हेड, ये आपका पेन हेड है, आपको दिख रहा है पेन के शेप का है,
ठीक है। और आपका जो इसकी जो डायमेंशन है वो सेम वही है जो ऊपर वाली है, 0.7D लेंथ, और ये आपका नॉमिनल डायमीटर डी डैश, और ये आपका 1.6D। देखिए दो चीज़ें याद करने के लिए सिंपल है, आपको सेप इसका ध्यान रखना है, आपको रिमेंबर इट्स सेप, ओके। बाकी जो डायमेंशन है वो सेम है। तीसरा आपका आता है यहाँ पे राउंड काउंटर सेंक, राउंड काउंटर सेंक। तो ये आपका राउंड काउंटर सेंक है, राउंड नाम से आपको पता लग रहा है, राउंड ना नेम इज रिप्रेजेंट इन राउंड शेप, ओके। तो आपका राउंड जो शेप है इसका आपको एक सर्कल बनाना है, और ये आपका कीप की तरह, आपने केमिस्ट्री लैब में एक कीप देखी होगी जिससे आप क्या करते हो, कोई भी केमिकल या आपको वाटर डालना हो किसी बॉटल के अंदर तो आप कीप का यूज़ करते थे, सिंपल कोई दिक्कत। तो ये आपका जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, 60 डिग्री इसका जो एंगल है, ठीक है। और ये वाला जो डायमीटर है ये आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल डायमीटर, और ये वाला जो वृत्त आपकी ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है आपका 0.5D। देखिए इन चीज़ों का मेरे पास कोई ऐसा किसी का कोई इलाज नहीं है, इन चीज़ों का आप रट लेनी है वैल्यूज़ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद चौथा जो आपका आता है फ्लैट हेड रिविट, फ्लैट हेड रिविट, फ्लैट हेड रिविट क्या होता है आपका, ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखता है आपका, ओके। इसका जो टॉप विड्थ होता है, टॉप विड्थ आपका कितना हो जाएगा इसका, ये होता है आपका 2D। देखिए जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शेप इन अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप, तो मेनली इम्पॉर्टेंट इन अ फोर टाइप ऑफ देयर शेप ऑफ रिविट, चार टाइप का जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ओके। तो ये चार टाइप के जो शेप है आपका, ये आपको याद कर लेनी है। कुछ इनके अलावा एक दो और हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वो पेन हेड के बेस पे दूसरा है, राउंड काउंटर संख के बेस पे दूसरा, एक एक इन पे और हैं, तो आप इन चारों को रिमेम्बर कर लीजिएगा, अगर आप इनको एग्ज़ाम में बना के आते हैं आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए मैंने आपको टू टाइप की क्लासिफिकेशन बताया था, सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन में चलते हैं, ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर टू इंसर्ट रिविट, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर टू इंसर्ट रिविट। आपका फोर्स किस तरीके का आ रहा है, आपका जो कार्य के अकॉर्डिंग टू वर्क, आपका वर्क किस टाइप का है, किस टाइप का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहाँ पे किस टाइप का फोर्स आ रहा है, उस जिस टाइप का आपका फोर्स आएगा उस टाइप का आप रिविट वहाँ पे प्लेस करोगे, प्लेस करोगे मतलब रिविट के स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसको प्लेस करोगे, याद रखना हमेशा। तो इसलिए ड्राइविंग फोर्स, आपका फोर्स किस वे में आ रहा है उस टाइप का आप रिविट यूज़ करोगे। तो उसके भी क्लासिफिकेशन दो टाइप के थे, तो फर्स्ट ए मैंने ऊपर करवा दिए सेफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अब बी में चल रहा हूँ मैं, बी में मेरे तीन टाइप के क्लासिफिकेशन, पहला मैं बात करूँगा हॉट ड्राइवन रिविट। हॉट ड्राइवन रिविट का मतलब होता है कि अगर आप रिविट को लगाने से पहले बिफोर अप्लाई इट, ठीक है, तो इसको अप्लाई करने से पहले अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हीट करें तो दैट इज़ कॉल्ड हॉट रिविट या हॉट ड्राइवन रिविट, ठीक है, प्लेस करने से पहले इसको आप हीट दोगे दैट इज़ कॉल्ड हॉट रिविट। सेकंड आपका आता है कोल्ड ड्राइवन रिविट, मतलब अगर आप रिविट को अप्लाई करने से पहले एक एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, मान लो मैंने 28 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर में मैं इसको क्या करूँगा, कोल्ड करूँगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड ड्राइवन रिविट, ओके। सेकेंड आता है हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसका सॉफ्ट रिविट एंड फील्ड ड्राइवन रिविट्स, मतलब फील्ड ड्राइवन रिविट्स। और तीसरा आपका आता है यहाँ पे पावर रिविट्स एंड हैंड रिविट्स, पावर रिविट्स एंड हैंड ड्राइवन रिविट्स, ठीक है। चलो इन तीनों को मैं एक एक कर आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि आपका जो इनका जो कंसेप्ट है तो आपका क्लियर होता रहे। और इन दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन है, दो टाइप के हैं, और इनके अंदर जो भी पार्ट है वो याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड ड्राइवन रिविट की। पहले हॉट ड्राइवन रिविट को देख लेते हैं यहाँ पे। हॉट ड्राइवन रिविट मैंने अभी आपको भी बताया था कि बिफोर अप्लाई करने से पहले जहाँ पे आप जिस प्लेट में आपको लगाना है ना, या जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, जो भी स्टील मेंबर जिस मेंबर में आप लगा रहे हो, उस मेंबर में लगाने से पहले रिविट को आप हीट करते हो, गर्म किया जाता है उस रिविट को, तब आप उसको प्लेस करते हैं। तो इसलिए उसको नाम देते हैं हॉट ड्राइवन रिविट। सेकंड आता है कोल्ड ड्राइवन रिविट। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा, ठीक है। यानी आप क्या करोगे, रिविट को प्लेस करने से पहले या लगाने से पहले इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको क्या करोगे, ठंडा करोगे, ठंडा रिविट होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा रिविट, ठीक है, तब आप इसको अप्लाई करोगे, सिंपल, कोई दिक्कत। दूसरा आता है आपका सॉफ्ट ड्राइवन रिविट एंड फील्ड रिविट, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सॉफ्ट ड्राइवन रिविट क्या होता है। सॉफ्ट ड्राइवन रिविट में आपका जो रिविट है, ये आपका सॉफ्ट मतलब क्या होता है, कोई फैक्ट्री होगी आपकी, या आपकी कोई शॉप है, तो इस फैक्ट्री में आप क्या करोगे, जो भी रिविट कनेक्शन दे रहे हो, तो पहले अगर आप शॉप में रिविट को लगा रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट ड्राइवन रिविट। सेकेंड आपका आता है फील्ड ड्राइवन रिविट। फील्ड ड्राइवन रिविट का मतलब अगर आप रिविट को कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, फील्ड में, ग्राउंड में जाके आपको रिविट को प्लेस करना हो, लगा रहे हो वहाँ पे, तो दैट इज़ कॉल्ड फील्ड रिविट्स, ओके। तीसरा आपका आता है पावर ड्राइवन रिविट्स। पावर ड्राइवन रिविट आपका क्या, नाम से पता लग रहा है, पावर मीन्स क्या होता है, जिसकी सामर्थ्य क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अब स्ट्रेंथ किसकी होगी, देखो जब कोई भी रिविट आपका मैकेनिकली बन के आया है, मशीन के थ्रू बन के आया है, तो मशीन की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, क्योंकि उसमें कोई भी गलती नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपका रिविट मैकेनिकली प्लेस होता है तो आपका क्या होता है, पावर ड्राइवन रिविट, ठीक है। और दूसरा आता है हैंड ड्राइवन रिविट। हैंड ड्राइवन रिविट आपका क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, लगाया जाता है हाथों के द्वारा, ठीक है, सिंपल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और मेरी नई आने वाली वीडियो